सो हेलो एंड वेलकम यार गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया डूइंग ग्रेट। तो आज के इस वीडियो में हम वोल्ट के एक्सपोर्ट्स यहाँ पे ईयरबड्स लेके आए हैं एंड इनका कंप्लीट रिव्यू हम करेंगे इस वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा कि क्या वोल्ट एक्सपोर्ट वर्थ इट है, 1000 रुपीज़ के अंदर आपको इनको परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हमने अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई थी एंड काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स उस वीडियो पे आया एंड जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, लाइक कुछ टाइम बाद हम इनको यूज़ करने के बाद आपको एक कंप्लीट रिव्यू देंगे, बताएंगे कि ये वर्थ इट होने वाले हैं या नहीं होने वाले। तो हम आज के आफ्टर 15 डेज गए, 15 दिन हो चुके हैं ये ईयरबड्स हमारे पास आए हुए। तो इस वीडियो में कंप्लीट रिव्यू करेंगे इनकी बिल्ड क्वालिटी से लेके कोल टेस्ट, बेस, बास, साउंड टेस्ट, इनका गेमिंग के लिए रिव्यू, बैटरी लाइफ, चार्जिंग टाइम एंड जो भी लाइक जितने भी फैक्टर होते हैं सभी के सभी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जेएस टेक एंड चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं इनकी बिल्ड क्वालिटी, लुक एंड इनकी जो है अदर फीचर्स के रिलेटेड। तो गाइस बोल्ट एक्सपोर्ट हमारे पास व्हाइट कलर में है। सामने की तरफ आपको बोल्ट ऑडियो का जो है नेम मिल जाता है, एक LED लाइट आपको मिल जाती है एंड ये एक जो केस है आपको ग्लोसी फिनिश के साथ मिलता है गाइस। तो काफ़ी दिन हो चुके हैं, केस बिल्ट ठीक ठाक है इसलिए स्क्रैचेस वगैरह इतने नहीं आए हैं यहाँ पे। नीचे की तरफ आपको एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, काफ़ी अच्छी बात है, आपको अंडर 1000 रुपीज़ टाइप सी चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर मिलता है। अगर हम यहाँ पे ईयरबड्स की बात करें गाइस तो ईयरबड्स आपको जो है प्लास्टिक में मिलते हैं, ओके, एंड डिफरेंट आपको यहाँ पे फिनिश मिलती है। बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ गाइस तो बिल्ड क्वालिटी इतनी मुझे पसंद नहीं आई पर्सनली, लाइक लैक लगा इतना अच्छा यहाँ पे बिल्ड नहीं है। बट अगर प्राइस हम कंसिडर करते हैं तो वो चीज़ हम थोड़ा बहुत इग्नोर कर सकते हैं, ओके। तो गाइज़ यहाँ पे ईयरबड्स निकाल लिए हैं एंड अगर आप यहाँ पे ईयरबड्स के डिज़ाइन की बात करें, आपको बोल्ट का नेम एंड लोगो मिल जाता है पीछे की तरफ एंड जो ये टच सेंसर का अलग एरिया पे दिया हुआ आप देख सकते हैं, सिर्फ यही टच सेंसर में काम करेगा, लाइक कंप्लीट एरिया नहीं काम करेगा। तो यूज़र्स थोड़ा उसको मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं एंड वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक देता है, लाइक फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो उनको टच करने में प्रॉब्लम होती है, ओके। बिल्ट ठीक ठाक है और कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल वाइज कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर ईयर फिटिंग की बात करूं एंड कंफर्टेबल की बात करूं गाइस तो ईयर फिटिंग काफ़ी ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट प्लास्टिक तो प्लास्टिक ही गाइस, अगर आपको प्लास्टिक ईयरबड्स से प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को जो ईयरबड्स होते हैं ईयर टिप्स के साथ आते हैं उनसे प्रॉब्लम होती है, कुछ को प्लास्टिक के साथ होती है, तो वो आपकी खुद की ओपिनियन है कि आपको किस टाइप की ईयरबड पसंद है नहीं पसंद है। बट ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी ठीक है। However, जैसे मैंने आपको बताया कि जो केस की बिल्ट है उसमें मुझे इतना मज़ा नहीं आया, लाइक मैं केस की बिल्ट क्वालिटी वाइज इनको सिर्फ 10 मार्क्स दे रहा हूँ आउट ऑफ 10, इवन 1000 रुपीज़ के नीचे ये ईयरबड्स अवेलेबल हैं तो ओके। ईयर फिटिंग कंफर्टेबल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं लगी मुझे, तो इस पोर्शन में मैं इनको 8 मार्क्स यहाँ पे दे रहा हूँ, ओके। बात करें अगर अदर फीचर्स की गाइज तो ये ईयरबड्स आपको 20 आवर्स का बैटरी बैकअप देने में केपेबल है एज पर बोल्ट एंड कुछ हद तक वो चीज़ ठीक भी है, मैंने टेस्ट किया लाइक इतने दिन से मेरे पास थे, सेपरेट वीडियो भी बनाया बट एक कंप्लीट रिव्यू वीडियो तो ये पोर्शन भी इंक्लूड होना चाहिए। तो अगर मैं बैटरी लाइफ एंड चार्जिंग टाइम की बात करूँ, चार्जिंग टाइम मुझे अराउंड 1 आवर के अराउंड मिलता है, ओके, एंड जो बैटरी बैकअप है सिंगल टाइम में 4 घंटे आराम से निकाल देते हैं, तो ओवरऑल जो बैटरी बैकअप है वो 16 आवर है, ओके। बट डिपेंडिंग ऑन यूजर टू यूजर ये भी डिफरेंट हो सकता है, बट मैं इनको कॉलिंग के लिए भी थोड़ा बहुत यूज़ कर लेता हूँ एंड कॉलिंग के अलावा म्यूज़िक वगैरह 60-70% वॉल्यूम पे यूज़ करता हूँ। गेमिंग एसफोल्ट 9 मैं प्ले करता हूँ, एसफोल्ट 9 खेलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। बट अगर मैं बात करूँ BGI लाइक बैटल ग्राउंड की, तो वहाँ पर आपको ऑफकोर्स जो है लेटेंसी देखने को मिलेगी। बात करें इनकी जो फीचर्स हैं उनकी, तो 13 mm के आपको ड्राइवर मिल जाते हैं, ओके, तो साउंड वाइज कोई भी दिक्कत नहीं है। However, साउंड टेस्ट, बेस एंड बास टेस्ट जो है वो हम अभी यहाँ पे कर लेंगे ताकि आपको एक बेटर आइडिया मिल जाए, ओके। माइक्रोफोन के लिए कोल क्वालिटी भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है, तो कोल क्वालिटी भी हम जान लेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं इनकी म्यूजिक क्वालिटी,
एंड कितनी लाउडर यहाँ पे आपको वॉइस मिल जाती है बोल्ट के एक्सपोर्ट से। तो चलिए हम एक म्यूजिक यहाँ पे प्ले कर लेते हैं। तो गाइस थोड़ा बहुत आपने म्यूजिक यहाँ पे सुना बास और आप बेस बोल लीजिए, ईयरफोन्स का मुझे ठीक लगा पर्सनली। लाइक मैं इनका प्राइस अभी भी 1000 रुपीज़ कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि जो बिग बिलियन डे है वो नेक्स्ट डोर ही है, लाइक आने वाली है कुछ दिनों में, 4-5 दिन ही बचे हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ। तो आपको 1000 रुपीज़ इवन आपको 899 में भी मिल जाएंगे बोल्ट के एक्सपोर्ट्स। तो प्राइस भी हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, तो म्यूज़िक क्वालिटी मुझे इनकी ठीक ठाक लगी, लाउडनेस भी इनफ है, ऐसा नहीं है कि आपको हाई एंड लाइक काफ़ी लाउड ये जो है नॉइस मिल रही है, वॉइस मिल रही है, नहीं इतना भी नहीं है। बट हाँ आपको जो एवरेज ईयरबड्स हैं उनसे कहीं ना कहीं बेटर वॉइस यहाँ पर मिल जाती है, बेटर साउंड क्वालिटी मिल जाती है अगर आप दूसरे ईयरबड्स को कंपेयर करें इवन 1000 रुपीज़ में। तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली बोल्ट एक्सपोर्ट में एडवांटेज मिल जाती है। बास और बेस अगर हम बोले उनकी बात करें तो वो भी मुझे ठीक ठाक लगा, लाइक आप 1000 रुपीज़ के एवर से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते, बट स्टिल जो हमें एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए वो हमें फुलफिल यहाँ पे बोल्ट एक्सपोर्ट करके देते हैं। एंड मैं इनको बास और बेस में जो है कंप्लीट 10 में से सिर्फ 8 मार्क्स यहाँ पे दे रहा हूँ, साउंड लाउडनेस वाइज 8.5 मार्क्स ही अचीव करते हैं। कॉल क्वालिटी मैंने ऑलरेडी की हुई है, तो मैं प्रीवियस वीडियो से जो कॉल है वो यहाँ पे आपको सुना दूंगा, जो माइक टेस्ट है इनका वो बता दूंगा आपको। ये जो वॉइस आपको आ रही है, साउंड जो आ रही है आपको, वो आ रही है बोल्ट के एक्सपोर्ट से। एंड जो अभी एनवायरमेंट में है वो वॉइस नहीं है, लाइक कंप्लीटली साइलेंट एनवायरमेंट है, तो डाउट टू साइड नहीं है, बट आई डोंट नो कि उनका माइक क्या कैप्चर कर रहा है। बट आप मुझे कमेंट करके डेफिनेटली बता सकते हैं कि माइक क्वालिटी आपको कैसे लगी, बाकी मैं टेस्ट करके आपको बता दूंगा। However, माइक्रोफोन का रिव्यू मैं आपको बता देता हूँ स्टेप से है कि लाउड लाइक आपकी वॉइस क्लियर है, ओके वॉइस क्लियरिटी में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, बट दिक्कत तब होगी जब आप बाहर हैं, लाइक आउटसाइड है, घर के अंदर कूलिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं लाइक आप ड्राइविंग करते हुए बात करें तो वो भी आप कर सकते हैं कार में, बट नॉट ऑन द बाइक, तो बाइक में नहीं कर पाएंगे वो चीज़। दूसरी बात, इवन अगर आप पब्लिक प्लेस में हैं तो जो दूसरे एंड पे पर्सन है उनको आपकी वॉइस सुनने में प्रॉब्लम होगी अगर नॉइसी है तो। अगर नॉर्मल है लाइक इतना नॉइसी नहीं है तो ठीक ठाक चल जाएगा। तो माइक्रोफोन का रिव्यू ये है, तो आपकी रिक्वायरमेंट किस हिसाब से है, आप घर में रहते हैं, बाहर रहना लाइक बाहर की विजिट वगैरह आपकी ज़्यादा रहती है तो उसके अकॉर्डिंग आप इनको देख सकते हैं। अगर बाहर जाते हैं ज़्यादा देन आप इनको इग्नोर कर सकते हैं, आपको जो है एटलीस्ट ईयरफोन लेने चाहिए जो आपके इन्वायरमेंटल नॉइज़ कैंसिलेशन के साथ आते हैं। एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं है तो इन्वायरमेंटल नॉइज़ कैंसिलेशन भी है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत एडवांटेज मिल जाता है। ओके मूव करते हैं अनदर सेक्शन की ओर गाइस, गेमिंग की अगर यहाँ पे बात करो तो गाइस ऑफलाइन गेम खेलने में कोई भी लेटेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ऑफलाइन गेम लाइक एसफोल्ट 9 जो ऑफलाइन खेलते हैं, ओके ऑनलाइन गेम लाइक जो रियल टाइम आपको वॉइस वगैरह चाहिए तो उसकी अगर बात करें तो उसमें बैटल ग्राउंड आपका पबजी बोल लीजिए, तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली लेटेंसी देखने को मिलेगी। एंड उसके लिए गाइस लाइक अगर आपको पबजी वगैरह खेलना है तो प्लीज़ इनको परचेज मत कीजिए, आप लेटेंसी आपको डेफिनेटली ओवर 100 ms मिल रही है। ओके तो ये अनदर फैक्टर है इन ईयरबड्स का। तो अगर मैं इनके टच सेंसर की बात करूँ, जो मैं एक्चुअली इनकी अनबॉक्सिंग वीडियो में करना भूल गया था, तो टच सेंसर मुझे काफ़ी प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे लगते हैं बोल्ट के एक्सपोर्ट के। पहली चीज़, ये कंप्लीट पोर्शन आपका जो है वो फुल्ली टच सेंसर नहीं है, लाइक सेंसर आप इनको पूरा टच करके यूज़ नहीं कर सकते, पोर्शन दिया हुआ है नीचे की तरफ ये वाला यहाँ से, ओके यही आपका टच एरिया है। तो अगर आप इसको टच करते हैं ये 10 में से सिर्फ 5 टाइम वर्क करते हैं,
एंड फाइव टाइम वर्क नहीं करते। अगर आपको डबल प्रेस करना है, कई बार रिस्पोंड करते हैं, कई बार रिस्पोंड नहीं करते, लाइक आई टोल्ड यू कि आधी बार काम करते हैं। तो ये मुझे इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगी। कनेक्टिविटी वाइज आपको ब्लूटूथ 5.1 दिया हुआ है, तो कनेक्टिविटी वाइज आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर आप टच सेंसर वाइज बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको हेडेक होने वाला है। कुछ टाइम बाद आप यूज टू हो जाएंगे, बट स्टार्टिंग में आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी, जो मेरे साथ भी हुआ। ओके, अगर मैं इनको दूसरे ईयरबड्स से कंपेयर करूँ, इवन आपके माइक्रोमैक्स के जो ईयरबड्स हैं, ईयरफोन्स हैं, एयरफंक 1, तो वहाँ आपको बेटर टच सेंसर मिलते हैं। प्राइस अगर आज की बात करें तो दोनों का सेम है, 1300 रुपीज़। तो आपको माइक्रोमैक्स बेटर टच सेंसर देता है। तो अगर हम ओवरऑल बात कर लें जो बोल्ट एक्सपोर्ट्स हैं उनकी, तो आपको क्या एडवांटेज मिलती है, क्या आपको इग्नोर कर सकते हैं, क्या इग्नोर नहीं कर सकते? तो गाइस, कोल क्वालिटी ठीक है, ओके है, 10 में से कोल क्वालिटी वाइज मैं 7.5 मार्क्स दे रहा हूँ। वॉल्यूम लेवल 8.5, बेस और बास आपका 8 मार्क्स है। चार्जिंग टाइम कम है तो काफ़ी अच्छी बात है। चार्जिंग टाइम वाइज मैं आपको जो है इनमें सिर्फ 10 में से इनको मैं 9 मार्क्स दे रहा हूँ। बैटरी भी काफ़ी ठीक है, तो बैटरी वाइज 8.5 मार्क्स दे रहा हूँ। टच सेंसर कितने अच्छे हैं, तो टच सेंसर वाइज मैं इनको सिर्फ 5 मार्क्स दे रहा हूँ। वाइज बात करें अगर गेमिंग के लिए, तो गेमिंग के लिए अगेन 5 मार्क्स यहाँ पे मिलते हैं। एंड बिल्ड क्वालिटी गाइज, बिल्ड क्वालिटी ठीक है, इतनी अच्छी नहीं है, तो बिल्ड क्वालिटी वाइज ये 7 मार्क्स यहाँ पे अचीव करते हैं। तो आप ओवरऑल आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए कौन सी आपको नीड है, कौन सी नीड नहीं है। बट हाँ, 1000 रुपीज़ में कोई भी आपको जो है प्रॉब्लम नहीं होने वाली। 1000 रुपीज़ के अकॉर्डिंग आप इनको परचेज कर सकते हैं। अगर 900 रुपये मिल जाते हैं तो और अच्छी बात है, इवन आप बैंक डिस्काउंट अभी अप्लाई कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको डिस्काउंट और मिल जाएगा। ओके, तो आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप क्या बोल्ट एक्सपोर्ट परचेज करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे, तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, सी यू सून, बाय बाय गाइस।